इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ज़मीनी इंतखाबात जारी हैं उसके लिए कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता, कई सारे दिग्गज कायद यहाँ पर बेलगाम शहर में मौजूद हैं, लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर देशपांडे साहब और मोहतरमा अंजलि बड़कर। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल सर हमारे चैनल पर। जिस तरह से अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और जीतने के दावे भी किए जा रहे हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि कांग्रेस ही जीत दर्ज कर सकती है सर? देखो, सवाल है कांग्रेस क्यों जीतेगी? जो अभी हुकूमत देश में है, बीजेपी की, एनडीए की, उसने किया है क्या? किया है क्या? जो हमारे युवक लोग हैं उनको आज काम नहीं है। बोला हर बरस को 2 करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, 2% माइनस हो रहा है। 2 करोड़ अभी महिलाएं हैं, उनका हाल क्या है? जो भी गैस सिलेंडर का तो रेट 900 हो गया, 400 का 900 हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, वो छोड़ो, जो हर दिन जो तेल सब्जी जो भी लगती है वो लाते हैं ना, उसके प्राइस भी 50-60% ऊपर हो गए। तो अभी इंसान जो गरीब इंसान है, वो कार्मिक हो, वो महिला हो, कोई भी हो, उनका जीना मुश्किल हो गया है, तो क्या करेंगे अभी? तो बीजेपी वोट दे सकते हैं क्या? उनको कांग्रेस वोट देना है। और कांग्रेस जो हुकूमत थी केंद्र में और कर्नाटक में, जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं उसकी याद उनको हम दिला रहे हैं। उनको लग रहा हाँ, चावल हमको फ्री मिला सिद्धरामैया सरकार में। तो ओवरऑल जो मतदाता है वो बीजेपी से बहुत दूर निकल गए हैं, इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट सतीश जानकर साहब बड़े बहुमत से जीत के आएंगे। सर क्या बात है कि हर पार्टी, मैडम हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। अगर उमूमन कहा जाए तो भाजपा को गोडसेवादी विचारधारा से कहते हैं। क्या बात है कि कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा से जीत कर लोग गोडसेवादी की तरफ जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं कि हम महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को वोट कर रहे हैं या गोडसेवादी को, क्या बात है इसकी वजह से? नहीं, कन्फ्यूजन ऐसा कुछ नहीं है लोगों में। कुछ अंधे भक्त हैं जिनको कुछ गलत बातें जो चल रही है अभी। देखिए, आप क्या खाना है, क्या पहनना है, ये बोलने वाला मेरे माँ बाप, मेरे घर के सब बुज़ुर्ग लोग हो सकते हैं। बाहर वाला कोई, उससे बढ़कर भी सरकार में से कोई, ये हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है। ये तो तानाशाही हुई कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या नहीं। तो जो अंधे भक्त है जिनको ये करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पार्टी का एक तत्व है, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। हमारा तत्व है हर इंसान को अपना हक है, जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और हमें अपनी भगवान ने भी जिंदगी जीने के लिए जो एक तरीका सिखाया है, हमारा जो कल्चर है, भारत का इतिहास है, उस कल्चर के हिसाब से जिसको जिस तरह से जीना है वो खुद तय कर सकता है। उसके लिए किसी सरकार की, डिक्टेटरशिप की ज़रूरत नहीं है। फिर से जो है भाजपा जो है हिंदुत्व का कार्ड खेलती नज़र आ रही है। कल जो अरुण सिंह आए थे उन्होंने कहा कि सतीश जारकिहोली हिंदू विरोधी हैं, इस तरह की बातें। फिर एक तो ईवीएम का भी मामला है। तो हिंदू विरोधी माने, अभी मैं हिंदू हूँ कुछ, लेकिन सब कुछ चाहता हूँ। हिंदू आए, इस्लाम का आए, मुसलमान आए या सिख आए, हम प्यार से देखते हैं। तो मैं अभी हिंदू
मुझे अप्रूव करने मी को मैं को अप्रूव करके वो अरुण को अरुण सिंह को देना। वो कौन सा बड़ा आदमी है? हाँ सर्टिफिकेट तो हु इज नोबडी। नहीं लोग लेकिन जल्द वो बोलता करके जी। कोई हिंदू हो सकता नहीं, नहीं। कोई मुसलमान हो सकता नहीं, ये समझना चाहिए। और ऐसी बात पर कभी ऐसी गंदी बातें छोटी बातें कभी किसी बात नहीं करना। अगर ये समझते हैं आप बड़े बीजेपी के बड़े लीडर हैं तो उनके जो भाषा है, अब मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, जब मैं बात करता हूँ ऐसा कोई गलत बात नहीं करना जो लोग भी नहीं चाहेंगे और जो अनपार्लियामेंट्री है। सर मसला तो ईवीएम का भी है, आसाम और बंगाल में देख रहे हैं कि ईवीएम के अंदर 80 वोट हैं तो वोट 180 दिखा रहे हैं। हाँ और जिस तरह से टैम्परिंग इलेक्शन, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत से पार्टियों ने जाके मिले हैं, ईवीएम के बारे में बताया है, ईवीएम से सब गड़बड़ हो रही है, फिर भी इलेक्शन कमीशन उसको मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए इसके आगे इसके बारे में जो कदम उठाने हैं वो हमारी पार्टी दूसरी पार्टी का साथ लेके उठा रही है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस जो 60-70 साल से हुकूमत की कहीं तो पिछड़ती नज़र आ रही है, ये दोबारा यहाँ से जीत के बाद हो सकता है कि एक नई जान आ जाए तो, लेकिन क्या वजह है, क्या कमी रह गई? तो कमी का सवाल नहीं है। देखो ये चुनाव जीतने के लिए हमको पूरी उम्मीद और विश्वास है, क्योंकि जो हमने काम किया कर्नाटक में हमारी जब हुकूमत थी वो हम अभिमान से बता सकते हैं कि हमने, हमारी जब हुकूमत थी सिद्धरामैया सरकार थी हमने ये किया, भारत में हमारी जो सरकार थी राजीव गांधी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हमने जो किया हम बोल सकते हैं। लेकिन आज बीजेपी को या एनडीए को उनके कार्यकर्ताओं को क्या उन्होंने अच्छा काम किया है जिससे मतदार उनको वोट दे वो नहीं बोल सकते। इसलिए हमें लगता है कि ये सीट जितनी बहुत मुश्किल है हमको, ऐसा नहीं है। नहीं तीन सीटें जीतेंगे, तीनों सीटें बसों कल्याण मस्की, बसों कल्याण और मस्की में भी फाइट चालू है और उधर भी पूरी उम्मीद है। मैडम आप क्या कहेंगे कि मराठी के ऊपर आपकी ज़्यादा गिरफ्त है, मराठी लोगों पे के करीब भी हैं, तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति इस बार 30 साल के बाद थोड़ा एक नए दमखम के साथ मैदान में आती नज़र आ रही है, क्या कांग्रेस के वोट काटेंगे या बीजेपी के? किसके वोट काटेंगे वो पता नहीं, पर हमारा कैंडिडेट का जो परिश्रम है, कांग्रेस का जो सिद्धांत है, उस तत्व पे हम सब धर्मों को ले कर साथ चल रहे हैं, सब जातियों को ले कर साथ चल रहे हैं। और अगर मेरे लिए आप स्पेसिफिकली बोलते हो मराठा जात और मराठी लोगों का, तो वो तो पहले भी थे अभी भी है, जो भी इश्यूज है, थोड़ा सा बीजेपी जो उनको दिशा भूल करने का, हिंदुत्व का नाम लेके दिशा भूल करने का जो काम कर रही है, वो इस बार अभी लोगों को भी पता चला है किस तरीके से जाना चाहिए क्या नहीं। वो ये आने वाले 17 तारीख को आपका उनका भी जो भी निर्णय है वो आपको 2 मई को और 17 तारीख को दोनों तारीखों पे नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के दिग्गज कई मोहतरमा अंजलि निंबाड़कर और देशपांडे साहब। लिहाजा उनकी वो यकीन के साथ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेगी और एक नई दिशा सियासत को मिलेगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।